तो हेलो दोस्तों, और आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों दी ऑल न्यू स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 के बारे में, जो कि हाल ही में इंडियन टू व्हीलर मार्केट में हीरो मोटोकॉर्प ने अपडेट किया है दोस्तों इस बाइक को। एंड आज मैं आपको बताऊंगा इस बाइक के बारे में दोस्तों कि इसमें आपको नई चीजें क्या क्या अपडेट में देखने को मिलेंगी, क्या चेंजेस इस बाइक में हुए हैं, क्या नई इसकी कीमत रखी गई है हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से दोस्तों। तो चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर देना, ताकि आप हमारी वीडियो से अपडेट रह सके दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, मिस मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आप हमारी वीडियो को काफी ज्यादा अच्छे से समझ सको दोस्तों। और आपको कोई भी वीडियो एक्सटेक 2.0 स्प्लेंडर की देखने की जरूरत नहीं पड़े। इसी वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं इस हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से आने वाली स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 के बारे में। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस नई स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 में आपको नए ग्राफिक्स के साथ टोटल 3 नए आपको कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 2-टोन में देखने को मिलेंगे दोस्तों। पहला है मैटे ग्रे, और दूसरा है ग्लॉसी ब्लैक, तीसरा है ग्लॉसी रेड दोस्तों। अब बात करते हैं इस बाइक की हेडलाइट और DRL की। तो अब से इस बाइक में आपको नए डिजाइन वाले स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 में आपको न्यूली डिजाइन वाली एस शेप वाली LED हेडलाइट देखने को मिलेगी, और दोस्तों इसमें आपको LED DRL भी देखने को मिलेगी नई शेप वाली दोस्तों। साथ ही इस बाइक में आपको नए मॉडल में आपको एस शेप वाली न्यू डिजाइन वाली टेल लाइट देखने को मिल जाएगी, और नए डिजाइन वाले लुक वाले ही आपको हैलोजन बल्ब वाले टर्न LED इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको पैशन प्रो वाले देखने को मिलते हैं, और पैशन प्लस में भी आपको सेम यही इंडिकेटर अब देखने को मिलते हैं, वही इसमें आपको स्प्लेंडर प्लस में आपसे देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ अब से इस बाइक में आपको 1000 स्विच, जी हां दोस्तों 1000 स्विच देखने को मिल जाएगा। उसके स्विचेस जो बटन है वो भी इस बार से आपको चेंज कर दिए गए हैं, और 1000 स्विच भी अब से इस बाइक में आपको देखने को मिलेगा। एंड इस बाइक में आपको वही पुराना i3s के साथ सस्पेंशन में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक्स सस्पेंशन देखने को मिलेगा, रियर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलते हैं, ब्रेकिंग में आपको दोनों व्हील में 130mm के ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे, साथ ही में दोनों व्हील में आपको 18 इंच के देखने को मिलते हैं, साथ ही दोनों टायर आपको ट्यूबलेस देखने को मिलते हैं, इंजन में आपको और ब्रेकिंग में टायर में सस्पेंशन में इन तीनों ही चीजों में दोस्तों कोई भी चेंजेस और अपडेट नहीं हुए हैं दोस्तों। यहां पे आपको स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 का बैचिंग देखने को मिल जाती है 3D दोस्तों। बाकी पूरा का पूरा बाइक का लुक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके लुक कैसे रखे गए हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया इंजन में कोई भी चेंजेस देखने को मिलने नहीं मिलेगा, वही आपको सेम 97.2 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल इंजेक्शन इंजन देखने को मिलता है, जो कि 7.9 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, 8.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की बात करूं 73 kmpl का माइलेज, जी हाँ दोस्तों 73 kmpl का माइलेज मिलेगा। यहाँ पे आपको साइलेंसर जो मिलेगा, जो आपको इससे पहले वाले मॉडल मिलता है वो कलम टाइप में थोड़ा देखने को मिलता था, जो कि आपको पीछे दिख रहा होगा बाइक में दोस्तों, लेकिन ये जो नया मॉडल है एक्सटेक 2.0 यहाँ पे आपको एकदम फ्लैट कर दिया गया है साइलेंसर की कटिंग को दोस्तों। यहाँ पे आपको टेल लाइट देखने को मिलेगी, इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, पीछे ग्रैब हैंडल स्टील का देखने को मिलेगा, जिसपे आप थोड़ा बहुत सामान भी कैरी कर सकते हैं जैसे कि लोग कर लेते हैं दोस्तों। तो बात कर लेते हैं कुछ इसके इलेक्ट्रिकल बटन्स की। तो यहाँ पे आपको अब से इस स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 में 1000 स्विच देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पासिंग स्विच मिल जाएगा, ये हॉर्न मिल जाएगा, यहाँ पे टर्न एलईडी हैलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर वाला बटन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सेल्फ का स्विच देखने को मिल जाएगा, यहाँ ITS ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये नई चीज आपको 1000 स्विच देखने को मिलेगा। बाकी ये पूरा का पूरे बटन यहाँ पे चेंज कर दिए गए हैं। कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंटल आपको डेटल मीटर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह की इसकी डिजाइन रहने वाली है। मोड वाला आपका बटन आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप इस बाइक के मीटर कंसोल को सेटिंग्स में चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अगेन जो पहले आपको मिलता था USB चार्जिंग पोर्ट भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि राइट साइड माउंटेड है मीटर में दोस्तों। यहाँ पे आपको हैंडल बार कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरह की डिजाइनिंग आपको USB चार्जिंग पोर्ट की देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग में अंदर आपको मीटर डिजिटल देखने को मिलेगा। और इसमें आपको कौन कौन से फीचर देखने को मिलेंगे मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो मैं आपको इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, यहाँ पर मीटर आपको शो इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, ये स्टॉक जो है कल ही शोरूम पर अवेलेबल हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो वायर वगैरह बैटरी के लगते हैं, तो जब स्टॉक आता है दोस्तों वो लगे नहीं होते हैं, वाप में उसे लगाया जाता है, तो वो अभी नहीं लगे हैं दोस्तों बैटरी में, इसलिए इसका मीटर कंसोल इसकी पावर ऑन नहीं हो सकती दोस्तों। तो चलिए मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ इसके मीटर कंसोल में आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो इस बाइक के मीटर कंसोल में आपको कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, फोन बैटरी परसेंटेज, BT कनेक्टिविटी के साथ आपको ये मीटर कंसोल आता है, क्लॉक ट्रिप मीटर आपको देखने को मिलेगा, साइड स्टैंड लाइट आपको मिलेगी, हजार्ड लाइट देखने को मिलेगी, इंजन चेक लाइट देखने को मिलेगी, रियल टाइम, जी हाँ दोस्तों रियल टाइम माइलेज आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको एक्सट्रीम में देखने को मिलता था, फ्यूल इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर देखने को मिलेगा, USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, एंड एक
चीज जो है दोस्तों नई आपको इस स्प्लेंडर एक्सट्रैक 2.0 में देखने को मिलेगी, वो मिलेगी 45 डिग्री से रियर एंगल सेंसर देखने को मिलेगा। अब ये क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, 45 डिग्री से जैसे ही ये बाइक थोड़ा और ज्यादा नीचे झुकेगी दोस्तों ऑटोमेटिकली इसका इंजन बंद हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है एक्सीडेंट होता है दोस्तों, बाइक झुकती है तो इंजन इसका ऑन रह जाता है, जैसे बाइक उठाते हैं तो वो आगे भाग जाती है, लेकिन ऐसा आपसे नहीं होगा। जैसे ही बाइक थोड़ी सी झुकेगी स्किड होगी दोस्तों तो 45 डिग्री से नीचे जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली इंजन इसका स्विच ऑफ हो जाएगा दोस्तों। तो ये थी इस बाइक की कंप्लीट चेंजेस और कंप्लीट फीचर्स की जानकारी। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके शेयर करके कमेंट करके जरूर जाना। आप कौन सी बाइक पे वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर देना ताकि आप हमारी वीडियो को अपडेट रह सके दोस्तों। सीट की काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है, जो कि रह गई थी बताने को दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है। और ये जो मॉडल है ना, ये जो तीन कलर ऑप्शन आपको आए हैं 2.0 एक्सटेक में दोस्तों, ये कंप्लीट जो है आगे तक जाने वाले मॉडल है, यही इसका अपडेट मॉडल है स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का। ये कोई एडिशन वाले नहीं है कि कुछ टाइम बाद ये बंद हो जाएंगे दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये इसका परमानेंट वाला मॉडल बन गया है दोस्तों अब से। तो प्राइसिंग की यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोनों ही बाइक की दोस्तों, दोनों की कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसके पुराना वाला मॉडल है दोस्तों स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक, उसकी ऑन रोड कीमत थी 96,176 रुपए, और अब से इस एक्सटेक 2.0 जो नया अपडेट वाला मॉडल है स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0, इसकी ऑन रोड कीमत है दोस्तों 98,861 रुपए दोस्तों, 2,000 का डिफरेंस कुल आया है दोस्तों दोनों की प्राइसिंग में। तो आप कौन सी को बाय करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपको ये नया वाला अपडेट स्प्लेंडर वाला मॉडल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चलिए दोस्तों मैं लेता हूं इसी के साथ, और हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।